नमस्कार, मैं ट्राइबल एम्प्लॉय फेडरेशन प्रदेश प्रवक्ता रंगलाल मीणा। आज सोशल मीडिया के जरिए श्री भंवरलाल जी परमार, जो हमारे ट्राइबल एम्प्लॉय फेडरेशन के संरक्षक हैं, उनके खिलाफ एक ज्ञापन दिया गया है डूंगरपुर में, ऐसा हमें ज्ञात हुआ। मैं उस पूरे ज्ञापन का खंडन करता हूँ, क्योंकि ये जो ज्ञापन है महज एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा दिया गया है, जो बिल्कुल निराधार आरोप लगाए गए हैं। श्री भंवरलाल जी परमार साहब ने वैज्ञानिक विचारों को व्यक्त किया था। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त जो, उस पर मनसावासा व्रत में जो बच्चियां व्रत रखती है, बच्चे व्रत रखते हैं, विद्यालय में उपस्थिति कम रहती है, और उपस्थिति कम रहती है तो उनकी पढ़ाई बाधित होती है, और इसके अलावा सामाजिक कुरीतियाँ हैं उन पर भी बोला था। और यहाँ तक कि हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक विचारों को इसलिए बढ़ाना चाहिए कि व्रत रहने वाली जो बच्चियाँ हमारे, खास स्पेशली ट्राइबल बेल्ट में या अन्य समाजों में इतना नहीं देखने को मिलता है। हमें पीड़ा ये होती है कि इन बच्चियों में शारीरिक कमजोरियाँ आती है, और शारीरिक कमजोरियों के साथ में अगर ज़्यादा धार्मिकता का उनमें विचार भरे जाएँ तो निश्चित रूप से उनमें वैज्ञानिक विचार उत्पन्न नहीं होंगे। और हम चाहते हैं कि विद्यार्थी में वैज्ञानिक विचारों का बढ़ावा मिले, ताकि विद्यार्थी जो है अपने अच्छे भविष्य बना सके और राह से भटके नहीं। आम लोगों में वैज्ञानिक विचारों को बढ़ावा मिले, ताकि अंधविश्वास जैसी घटनाएं नहीं हों। जैसे कि आप अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे अपने के डूंगरपुर में एक लड़की ने अपने ही भतीजी को मार डाला तलवार से, वो सिर्फ एक अंधविश्वास की वजह से हुआ था। आप, मैं विरोध करने वाले लोगों से इतना निवेदन करूंगा कि आप ऐसी घटनाओं का विरोध क्यों नहीं करते हो? आप ऐसी कोई चीज देवी नहीं होती है जो तलवार से अपने ही भतीजे जिंदा को मार डाले। ये सब भ्रमित बातें हैं, इन बातों पर भरोसा नहीं करें। महिलाएं भी समझें, हम आज इस दौर में, आधुनिक दौर में आप उन बातों पर भरोसा करते हैं जो आज जायज़ नहीं है। इसलिए अंधविश्वास और भ्रामक बातों पर भरोसा नहीं करें। और जो शिक्षक भंवरलाल जी परमार का जो हमेशा उद्देश्य रहा है कि समाज में वैज्ञानिक विचारों, प्रकृति परक विचारों हो, समस्त मानवता का कल्याण हो, ऐसे उनके विचार हैं, उनके विचारों को सही तरह से समझें। राजनीतिक जो विचारधारा लोग हैं वो उनका राय है, उनकी बातों में नहीं आना है आप लोगों को। और मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अच्छे से वैज्ञानिक विचारों को समझें और अपने बच्चों को अंधविश्वास से दूर रखें, और शिक्षक श्री भंवरलाल परमार जी की बातों को सही तरह से समझें। उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। मैं आज के जो ज्ञापन दिया गया है उन पूरे ज्ञापन का खंडन करता हूं, और मैं विरोध करता हूं। ये ज्ञापन कतई